कंटेंट पे पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वातावरण फॉन्ट्स। फॉन्ट्स क्या होते हैं? ये वायु राशि का एक स्वरूप है। फॉन्ट्स में सबसे पहली चीज ये है कि वातावरण कहते किसे हैं, जब दो भिन्न वायु राशियां इनके बीच में एक सीमा बन जाती है, एक एरिया बनता है, उसे हम कहते हैं वातावरण। जैसे ये इस तरह से कोई ठंडी वायु राशि आ रही है, इस तरफ से इसका आने का तरीका, और इधर ये गर्म वायु राशि आ रही है, तो ये क्या स्थितियां होगी? जब ये दोनों मिलेगी तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, बीच में ये जो एक सीमा क्षेत्र बनता है, सीमा क्षेत्र वो कहलाएगा वातावरण, यानी दो भिन्न वायु राशियों के मध्य निर्मित सीमा क्षेत्र वातावरण कहलाता है। फिर वातावरण बनने की जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे वातावरण जनन। वातावरण जनन वातावरण बनने की प्रक्रिया कहलाती है। वातावरण को हमने चार भागों में बांटा है, शीत वातावरण, कोल्ड, उष्ण वातावरण, कोल्ड, अचल वातावरण, अधिविष्ट वातावरण। सबसे पहले हम शीत वातावरण की बात करें। शीत वातावरण में क्या होता है, दो भिन्न राशियां होगी, जब ठंडी व भारी वायु राशि, ठंडी और भारी वायु राशि गर्म राशि को ऊपर धकेल देती है, यानी जैसे ये ठंडी और भारी वायु राशि इस तरफ चल रही है, और इधर क्या होती है, गर्म वायु राशि आती है, और वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, इस वायु राशि ने उसको ये नीचे की तरफ गई और उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, तो ये शीत वातावरण कहलाता है, यानी ठंडी वायु राशि ने गर्म वायु राशि को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। दूसरा है उष्ण वातावरण, ये जस्ट इसका अपोजिट है, और इसमें क्या होगा, जब गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से, गर्म वायु राशियां क्या हो रही है, तेज गति से आ रही है और ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती है, तो ये जो संपर्क क्षेत्र बनेगा वो कहलाएगा उष्ण वातावरण। उष्ण वातावरण के बाद अगला है अचल वातावरण, जो वातावरण स्थिर हो जाए, फिक्स हो जाए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, उसे अचल या फिक्स वातावरण कहेंगे। अधिविष्ट वातावरण, जब एक वायु राशि, यानी या तो ठंडी या गर्म, एक वायु राशि क्या होगी, धरातल से पूरी ऊपर उठ जाती है, उसे हम अधिविष्ट वातावरण कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो प्रमुख विशेषता पहली है मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं, यानी ये कहां बनेंगे, मिड लैटिट्यूड्स में बनेंगे, ना तो नीचे वाले में बनेंगे ना इसमें, और तीव्र वायुदाब और ताप प्रवणता इनकी विशेषता, यदि यहाँ वायुदाब तीव्र रहेगा और ताप की प्रवणता रहेगी, इनसे एकदम क्या होगा, अचानक तापमान में बदलाव आता है, और ये वायु राशियां जो ऊपर उठती है तो क्या होती है, बादल का रूप धारण कर लेती है, यानी वायु राशियां ऊपर उठ के बादल का रूप धारण करेगी, और कई बार ऐसे क्या होता है, वर्षा होती है। इस प्रकार ये वायु राशियां वातावरण की प्रमुख विशेषता है। थैंक यू।